नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर मेगा कवरेज। 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग रुझानों के जरिए साफ होते हुए दिख रहे हैं कि आखिर अब इन रुझानों के बाद अब नतीजे क्या होंगे। कुछ ही वक्त का और इंतजार, लेकिन ये भी जानकारी साथ ही साथ कि कुछ सीटों पर अब ये जो रुझान है वो साफ भी हो रहे हैं, यानी नतीजे भी सामने आ रहे हैं। उन सीटों का पूरा विश्लेषण आप तक हम पहुंचाएंगे। इधर पश्चिम बंगाल के हुगली से भी बड़ी खबर आ रही है। हुगली के आरामबाग इलाके में बीजेपी के दफ्तर में कुछ लोगों ने आग लगा दी और आग किसने लगाई है इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। अंदेशा है कि चुनावी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हुगली से आ रही है, जहां पर जानकारी ये कि हुगली के आरामबाग इलाके में बीजेपी के दफ्तर में कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने आग लगा दिया। आग किसने लगाई है इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है और अंदेशा है कि चुनावी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। और मौजूदा हालात में बीजेपी इस आगजनी के लिए, इस हमले के लिए किस पर दोषारोपण करेगी, तस्वीर बिल्कुल साफ है। लेकिन फिलहाल अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन ये जानकारी बेहद अपने आप में अहम कि पश्चिम बंगाल के हुगली में आरामबाग इलाके में बीजेपी के दफ्तर में कुछ लोगों ने आग लगा दी है। आग किसने लगाई इस बात की जानकारी अभी तक नहीं है। हुगली में बीजेपी के दफ्तर को फूंका गया है, कितना नुकसान हुआ है इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब एक पार्टी जीत रही है और दूसरी पार्टी हार रही है, तो ऐसे में इस तरह की घटना को कौन लोग अंजाम देते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, मैं परिचय यहाँ पर करवा दूं। मेरे साथ कई लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं और इस बड़े पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुपर्णो मोइत्रा, स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, साथ ही अशोक वानखेड़े साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। इनके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से अमित जुड़ेंगे और थोड़ी देर में पल्लवी घोष भी हमारे साथ होंगी, उनसे भी मैं जुड़ूंगी और बातचीत करूंगी कि किस तरह अभी इस जश्न को लेकर तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले अशोक वानखेड़े जी, ये हुगली के आरामबाग की जो तस्वीरें हैं सर, बेहद चिंता में डालती हैं कि यकीनन किसी भी चुनाव में एक पार्टी की जीत होती है, एक पार्टी की हार होती है, लेकिन उस हार और जीत के बीच में किसी के दफ्तर को इस तरह से आगजनी कर देना, उसको फूंक देना, ये कितना जायज है? ये तो सरासर गलत है। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये बंगाल की राजनीति, बंगाल की राजनीति हमेशा हिंसक रही है। चाहे लेफ्ट तृणमूल हो, लेफ्ट कांग्रेस हो, तृणमूल बीजेपी हो, इस हिंसा पे कहीं ना कहीं नेताओं ने कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इतने सारा अच्छा बहुमत मिला है ममता को। इस बार ममता ने एक छवि सुधारने की और अपने पार्टी की भी छवि सुधारने का काम वो कर सकते हैं। सबसे पहले एक अपील कर देनी चाहिए कि चुनाव खत्म हो गए, दुश्मनी खत्म है और भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ऑफिस हो, या इसके पहले एक जो उम्मीदवार था उसके गाड़ी पे हमला हुआ, वो भी वीडियो हमने इसी चैनल पे देखा है। ऐसे कई वारदातें हम देख रहे हैं, तो कहीं ये जो हुल्लड़बाजी है इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके बाद वही स्थिति होगी। यदि साल भर यही आरोप प्रत्यारोप और बदले की भावना से कार्यवाही होती रही, तो फिर ये उस मतदाताओं के लिए काम क्या कर पाएंगे, क्योंकि यदि आपस में ही लड़ना है और आपस में ही एक दूसरे के ऑफिस चलाने हैं, तो उसका उसका कोई पर्पज तो सॉल्व नहीं होता। बंगाल की जनता ने न्याय किया है ममता के साथ। यदि ममता को ऐसा लगता होगा कि 215 सीटें उसको दी है, यदि जो रुझान बताते हैं उस बात, तो ममता ने दिल बड़ा करना चाहिए और तमाम लोगों को बोलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, है तो बंगाल के ही ना, वहां जो चुनाव लड़े वो बंगाल के ही लोग हैं, ऐसा तो नहीं बंगाल के बाहर से लोग आए हैं, है तो बंगाली, बंगाली अस्मिता देख क्या है। और कम से कम यहाँ अब भाजपा तृणमूल, ये जो हिंसा है, जो बार बार डर लग रहा था इस बात का, जिस हिसाब से चुनाव में प्रचार में आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लग रहा था ऊट किस करवट भी बदले। यदि भारतीय जनता पार्टी आज 200 से पार होती, तो शायद तृणमूल कांग्रेस के भी ऊपर हमले होते, क्योंकि उस बंगाल के राजनीति का वो कैरेक्टर बन चुका है हिंसा, इसको कहीं ना कहीं। इस पर वानखेड़े जी, सुपर्णो मोइत्रा से जवाब लेना बहुत जरूरी है। सुपर्णो मोइत्रा जी, सीधा सवाल आपसे सर ये कि हमने चुनावों के दरमियान भी देखा कि किस तरह से बीजेपी की रैलियों को प्रभावित करने की, पत्थरबाजी करने की तस्वीरें सामने आई, उसमें बीजेपी ने टीएमसी पर और टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाए। लेकिन सर, जश्न के दरमियान अगर किसी हारी हुई पार्टी, जो कि रुझानों में हारी हुई अभी दिख रही है, उसके दफ्तर पर इस तरह से आगजनी की जाती है, तो सर जिम्मेदारी तो आप ही लोगों पर आएगी इस बात की? देखिए, ये जो टीएमसी पे कोई अगर कहता है कि ये टीएमसी का काम है, तो ये सरासर बेबुनियाद आरोप है। लेकिन मैं आप सबसे सहमत हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल हो,
उनका बिल्कुल अधिकार है लोगों के पास अपना बात रखने को, और हिंसा का जो माहौल कोई भी ये करे ये बिल्कुल गलत है, इसमें बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और इसमें कोई बात की कोई जगह ही पैदा नहीं होता है, लेकिन खाली आरोप ये लगाना कि तृणमूल कांग्रेस जिम्मेवार है ये सरासर नाइंसाफी होगा, मैं कह सकता हूँ। जी गोपाल जी, आप लोग हर बार इस तरह के आरोप लगाते हैं और टीएमसी आप पर आरोप लगाती है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें कम से कम आज के दिन नहीं सामने आनी चाहिए थी। देखिए, आरोप लगाना और तथ्यों का सामने रखना या अलग 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 चीजें हैं। आरोप लगाया जाता है बिना तथ्यों के, और अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो भी कैंपेन चल रही है भी उस तरह से हमारे राष्ट्र तो है वो तो रैली ऊपर भी पथराव किया गया, युवा मोर्चा उस पे पथराव किया गया, बम फेंका। तो मुझे लगता है कि यह जो जीत का जश्न है तृणमूल कांग्रेस पहले भी, वो तो इलेक्शन कमीशन ने इस पूरी तरह से इस चीज को रोकना, इलेक्शन को हिंसा के बिना करवा दिया। अदरवाइज अब ये तृणमूल कांग्रेस का जो डीएनए जिसको कहते हैं वो हिंसा के आधारित है, और वह बुरी तरह से हिंसा पे आमदा पहले भी रहने वाले थे, आगे भी ये कोशिश करेंगे। नहीं, लेकिन गोपाल जी, अगर डीएनए की आप बात कर रहे हैं टीएमसी की, तो अगर ऐसा डीएनए था और पश्चिम बंगाल की जनता वाकिफ थी, तो फिर आपको क्यों रुझानों में 74 पर और टीएमसी को क्यों 215 तक खींच कर ला रही है? अगर आप इसको ये मान के चलते, भारतीय जनता पार्टी की पिछले बार 2-3 सीटें थी, उससे बढ़ के आज 82-85 हो गई है, तो अपने आप में यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। वह तो यह मान के चल रहे हैं कि सब लोग सोच रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, इसके अनुसार कैलकुलेशंस में कमी मानते हैं। अदरवाइज पश्चिम बंगाल में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है और बहुत इम्प्रूव की है, परसेंटेज ऑफ वोट भी हमारा कम नहीं हुआ। सुपर्णो जी, आप लोगों के डीएनए में ही समस्या है, और ये जो आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं ये तो इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, बस फर्क ये है कि आज ये नतीजों के और रुझानों के बीच में आ रही है। मोहतरमा, आपने गोपाल जी को बिल्कुल सही सवाल पूछा, तो इसीलिए मुझे और एक शब्द भी उस पर खर्च करना मुनासिब नहीं होगा। खाली मैं इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री का जो वो जब ज्योतिषी बन के उनका ज्योतिषी के हैसियत से मैं प्रदर्शन देखने की कोशिश कर रहा था, अगर पहले कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, और इसमें जो है एक कॉमन पॉइंट है हर जगह पे, वो जब चुनाव के लिए बात करते थे वो कहते थे कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, और जहां जहां पे माननीय गृह मंत्री ये बात कह चुके हैं। तो मैं बता ही रही हूँ, ये आंकड़े आप भी बता रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जश्न के बीच इस तरह की तस्वीरों का सामने आना, लॉ एंड ऑर्डर तो किसी स्टेट का ही विषय है, और अब एक बार फिर से अगर हैट्रिक लग रही है तो आप ही से इस बारे में सवाल होगा कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। मैं सीधे रुख कोलकाता का कर लेती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, ममता बनर्जी कुछ बोल रही हैं इस वक्त, सीधे चलते हैं वहाँ। मिचिल एखोनी ना करे, कोविड है अनेक मानुष आक्रांत, आसुन हमरा विजय मिचिल सम्बन्धे जा सिद्धांत नेवार एकटु पड़े 6টার পরে আমি প্রেস করব। আপনারা সারা দিন খুব খেটেছেন, আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে যান, এবং আপনাদের আমি বলি যে কোভিডের জন্য যত্ন নিন, বাড়ি গিয়ে টান টান করে গরম জলে, সকলে মাস্ক ইউজ করুন, এবং কোভিডের জন্য আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোভিডের জন্য কাজ করা, ঠিক আছে? অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে, বাদবাকি আমি আবার পরে বলছি। আস্তে 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 একদম আস্তে, हम सुन रहे थे जितना मैं बांग्ला समझ पा रही थी, उन्होंने कोरोना को लेकर अपनी संजीदगी जताई है, जय बांग्ला बोला है उन्होंने, और साथ ही साथ कुछ और बातें भी कही हैं जिसे हम सुपर्णो की जरिए समझते हैं। सुपर्णो, आप बांग्ला को ज्यादा बेहतर समझते हैं, जरा बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा इस समय अभी हमें कोरोना के साथ लड़ना है, और आप लोग घर जाइए और कोरोना का जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है
उसको 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 मानकर चलिए, क्योंकि उसके साथ लड़ना है। और 6 बजे के बाद मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आगे की जानकारी मैं तब दूंगी। चलिए शुक्रिया इस बात को आपने हमें बताया। तो जो बात कही ममता बनर्जी ने साफ कि वो और जीत के बारे में अपनी रखेंगी बात को, 6 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीधे अमित का रुख कर लेती हूँ। अमित, कोलकाता से तस्वीरें दिखाइए। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त ममता बनर्जी के घर के बाहर जो सड़क है उसी सड़क पे मौजूद हूँ। मैं यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखें यहाँ पर तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन ममता बनर्जी ने अभी अभी बाहर निकल कर कहा कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शाम को 6 बजे के बाद वो करेंगी और कोविड प्रोटोकॉल का हर कोई पालन करे, क्योंकि अब जो जंग लड़ाई है वो कोविड के साथ होगी और इसी वजह से हर कोई जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अपने घरों घर जाएं। और ये तस्वीर एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है। ममता बनर्जी ने इन्हें जाने के लिए वापस इनको घर जाने के लिए कह दिया है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, कोलकाता पुलिस यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 6 बजे के बाद ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और देखना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ बातें कहती हैं। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता दरअसल इकट्ठा हो गए थे, दोपहर में ही इकट्ठा हो गए थे और दोपहर के बाद से जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कार्यकर्ताओं से कि वो अपने अपने घर जाएं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन अभी अभी ममता बनर्जी को निकलकर ये चीज़ कहना पड़ा कि लोग अपने अपने घर जाए, सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर जाएं, जो विजय जुलूस है उसको नहीं मनाना है, इसलिए नहीं मनाना है क्योंकि कोविड को हराना है, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा है। जी गोपाल जी, अब तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा था कि सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, बीजेपी कह रही थी कि भाई इसी ने मना किया है, तो क्यों आप इस तरह की तस्वीरों को ला रहे हैं और रोकना चाहिए सुप्रीमो को आकर खुद पार्टी की। तो अब तो ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि जीत का जश्न मत मनाइए, आप सुकून है आप लोगों को कि वो भी सहयोग चाहती है कोरोना को जल्द खात्मे में। जश्न मनाना कोई बुरा नहीं है, जश्न मनाने का तरीका बुरा है उसके अंदर हम चर्चा कर सकते हैं। पहली बात यह है कि बीजेपी के दफ्तर में आग लगा के क्या किस तरह का मैसेज वो देना चाहती है। नहीं तो आप गोपाल जी क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि टीएमसी ने आपके बीजेपी में बीजेपी के दफ्तर में आग लगवाई है, क्या आप ये कहना चाहते हैं? और कौन वहां पे है जो जिसको बीजेपी से इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी, और आज नहीं टीएमसी हरदम इसी तरह के कार्य करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को डिस्टर्ब किया, पत्थरों से हमारे नेताओं पे हमले करवाए, हमारे युवा मोर्चाओं के रैलियों पे पत्थर बरसाए, पुलिस के द्वारा पेट्रोल बम फिकवाए, साफ सामने था। वो तो सीधे सीधे आपके लिए कहते हैं कि आप लोगों ने उनकी मुख्य कैंपेनर जो एक फेस था उन्हीं पर ही इस तरह का हमला किया कि उनके पैर में इस तरह चोट आई कि उन्हें पूरा कैंपेन व्हीलचेयर पे करना पड़ा। क्यों व्हील पे चेयर पे करना पड़ा ये तो इतिहास बताएगा, और कैसे चोट लगी ये तो वो बताएंगे। लेकिन पहली बात यह है कि कौन क्या कहता है बात थी, कौन क्या कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से हमारे सारे सीनियर लीडर्स पूरी तरह से हमला एक के बाद एक, 130 कार्यकर्ताओं को जान से अपने हाथ धोना पड़ा पश्चिम बंगाल में इस संघर्ष में, तो वह अपने आप में जो तृणमूल कांग्रेस का जो यह पूरी प्रक्रिया है कि जो हिंसा के ऊपर आधारित वो राजनीति करती हैं वह पूरी तरह से सामने आ रही है बातें। सुपर्णा जी, अब तो सुपर्णा जी मुझे ये बताइए, ये व्हीलचेयर का जिक्र अभी मैंने किया, चुनाव के कैंपेन तक ही व्हीलचेयर का सहारा था, अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं जैसे ही नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, वो खुद चढ़ के गई हैं मंच तक हमने देखा। नहीं मैं पहले गोपाल जी का बात सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि वो जो बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं ठीक है ना, उसको ज्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहता हूँ। देश में हिंसा, देश में विभाजन, देश में घृणा, देश में कट्टरता, देश में धार्मिक ध्रुवीकरण, देश में अर्थनीतिक तरीके से पंगु बना देना, ये श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज बंगाल के लोगों ने उनको सीधी तरह समझा दिया कि इस तरीके की जो भाईचारे पे जो वो वॉर करते आ रहे हैं उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ये बंगाल का जनता ने उन्होंने कहा। और बार बार वो लोग
ममता दीदी के बारे में गंदी बात करते आए हैं, जब उनको चोट पहुंचा वो बार बार बोल रहे थे वो नौटंकी था, ऐसे शब्द का प्रयोग भी वो कर चुके हैं। उनका वो जो शब्द प्रयोग करते हैं ये उनका संस्कृति है, इसके बारे में कोई टिप्पणी करना हमारा संस्कृति हमें रोकता है। चलिए व्हील चेयर पर भी बोल दीजिए, क्या बोलना है ये तो व्हील चेयर में क्या बोलना है? आपका सवाल मैं समझा नहीं, और मैं उस पे कि प्रचार करना था तब तक वो व्हील चेयर पर दिख रही थी, आज नतीजे जैसे ही आए सब ठीक हो गया, अब ठीक है ममता बनर्जी? नहीं, आपका सवाल में आप क्या कहना चाहते हैं कि वो व्हील चेयर आपसे मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि क्योंकि सुनिए, क्योंकि नतीजों से पहले ही कुछ बीजेपी प्रवक्ताओं ने ये बात कही थी कि देखिए जिस दिन नतीजे आएंगे उसी दिन ऐसा हो जाएगा। मैं उन्हीं के बिहाफ पर अभी पूछेंगे, गोपाल जी आपसे जुड़ेंगे तो वो सवाल पूछेंगे, विपक्ष अब आप पे सवाल उठा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जितना कुछ कहा लोगों ने बैलेट के जरिए उनको जवाब दिया और उनका जवाब देना जरूरी महसूस नहीं करता। अरे मैं तो सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि अब ममता बनर्जी की के पैर में कोई तकलीफ नहीं है ना, ये तो कह सकते हैं कि हाँ कोई तकलीफ नहीं है इसीलिए वो सीधे अपने पैरों पर चढ़कर मंच तक आई है, ये तो आप बोल सकते हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं और डॉक्टर्स ही कह पाएंगे कि उनका स्थिति में सुधार कितना हुआ है। चलिए ठीक है, हम सीधे अमित का रुख कर लेते हैं। अमित जरा कोलकाता की तस्वीरें दिखाइए और किस तरह से आगे वहां पर गहमा गहमी मची है वो भी दिखाइए। देखिए अब जैसे ही ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं से को रिक्वेस्ट किया कि वो सब अभी अपने अपने घर चले जाएं क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, उसके कार्यकर्ता उनके घर के आसपास से तो निकल गए लेकिन सड़क पे आए। ममता बनर्जी यहां से निकलने वाली है, कहां जाने वाली है इसकी जानकारी नहीं है लेकिन ममता बनर्जी अपने घर से यहां से निकलने वाली है, उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, यानी थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट में ममता बनर्जी यहां से निकलेंगी, इस सड़क को खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं जीत के बाद जो जीत मिली है, जो ये बड़ी जीत मिली है ममता बनर्जी को, सुबह से ममता बनर्जी अपने घर पे मौजूद थी और उसके बाद जो है ममता बनर्जी जो है अब वो अपने घर से बाहर निकल रही हैं। ममता बनर्जी जा रही है, कहाँ जा रही है इसकी जानकारी नहीं है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं, इस सड़क पर जितने भी कार्यकर्ता थे उनको बैरिकेडिंग के पीछे कर दिया गया है अब, और जो सुबह से जीत मिली है उसके बाद ममता बनर्जी सुबह में वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ काफी देर तक बैठी रही घर पर। अभिषेक बनर्जी का घर जो है, अभिषेक बनर्जी का घर जो है इसी रास्ते में यहाँ पर आगे है। अभिषेक बनर्जी खुद यहाँ आए थे और अपनी बुआ ममता बनर्जी के साथ काफी देर तक उन्होंने वार्तालाप किया, बातचीत करने के बाद अभिषेक बनर्जी यहाँ से निकले, उसके बाद कुछ नेता टीएमसी के वो आकर ममता बनर्जी से लगातार मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। अब अभी फिलहाल ममता बनर्जी के घर पर कुछ नेता मौजूद हैं लेकिन जिस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, जिस तरीके से मैसेज यहाँ के आला अधिकारियों को दिया गया है उससे साफ है कि ममता बनर्जी यहाँ से निकलने वाली है, जीत के बाद ये पहली बार ममता बनर्जी अपने घर से निकलेंगी। प्रीति ठीक है, अशोक जी अभी हम सुपर्णो जी को सुन रहे थे, मैं ये समझती हूँ कि जीत है आपको बहुत गदगद दिक्कत करने वाले हैं ये आंकड़े, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या सवाल पूछने पर जिस तरह की खीज नजर आती है टीएमसी में वो सही है क्या? नहीं, मुझे तो लगता है कि जब उन्होंने ये कह देना चाहिए था कि भाई व्हील चेयर थी अब शायद ठीक हो गई इसलिए व्हील चेयर के बगैर वो दिखाई दे रही है, उनने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर वो डॉक्टर तब भी नहीं थे जब ममता पे हमला हो गया था और ये सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि प्राइड फ्रैक्चर हो गया, ममता जी पे हमला किया, तो क्या आप वहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे क्या? सवाल है कि आपको जीत को पचाने के लिए भी एक अवकाश एक लेवल चाहिए होता है, आपको आपकी अच्छी जीत मिली, आपने रिपीट किया, जनता ने आप पे विश्वास रखा, आपका दिल बड़ा हो जाना चाहिए। ये ऐसे बातों पे जब हम कहते कि हिंसा की बात ही नहीं होनी चाहिए, अब वो पार्टी के कैडर क्यों नहीं हिंसा करेगा जब उनके लोग ही इतने अरोगेंटली बात करते और इतने एकदम पूरी तरह से टूट पड़ते। अब चुनाव हो चुके हैं, अभी यहाँ पे चुनाव के बारे में बात करके या चुनाव में क्या हो गया ये डिस्कस करके कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, नतीजे आ गए हैं, जनता को धन्यवाद दीजिए, आगे अच्छा प्लान कीजिए और जो वर्तमान में है उस पर बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ी और ताकत के साथ लड़ी, इतनी ताकत के साथ लड़ी कि आपको भी सारे अपने पत्ते खोलने पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम ये तो बता दिया कि चुनाव क्या होते हैं, पिछले चुनाव में तो आपने वन साइड वन वे वॉक था, वो सबसे बड़ी पार्टी वहां कांग्रेस बनी जो 23 सीट पे थी, आपने आज पहली बार तो एक विपक्ष भी आपको दिखता है हाउस में बैठेगा, जब 74 लोग बैठेंगे विपक्ष के तो वो भी तो इतना ही दमदार होंगे, उतने कमजोर तो नहीं होंगे। ये तमाम बातें देखनी है, अपने कैडर को समझाना है, यदि हमले होते
वो कह रहे थे कि क्या प्रूफ है ये बीजेपी हमारे कैडर ने हमले किए। आपने ही चैनल पे जब हमने एक एमएलए के उम्मीदवार जो बीजेपी के थे उनके गाड़ी पे जो हमला हुआ, वो हमला करने वाले तृणमूल का झंडा लेके वो हरे गुलाल में पूरे तरह से संध के जो वहां पे जो दिखा रहे थे वीडियो, उससे लग रहा था मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता क्या बंगाल छोड़ के चले जाए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये देश में डेमोक्रेसी है, ये सिर्फ चुनाव हुए हैं, कोई युद्ध नहीं है दो देशों के बीच में कि आप युद्धबंदी लेके उनको फांसी की सजा दे दें। ये चुनाव होते हैं, विचारधारा अलग अलग हो सकती है। लोगों ने मतदान किया आपके समर्थन में पार्टी, अब आप साथ में जाइए भारतीय जनता। अपने कैडर को समझाइए, हो सकता है कैडर उन्माद में आया हो, तो कैडर को समझाने का काम नेताओं का है। यदि नेता ही खुद उन्माद में आ जाए तो फिर कैडर कहाँ, उससे तो वो कैडर कहीं मल्टीफोल्ड होकर एग्रेसिव होगा। सुपर्णो जी से ही अशोक जी इस बात का जवाब ले लेते हैं। सुपर्णो जी, इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल में जितने भी चुनाव हुए उनसे अलग था। बीजेपी के लिए तो कई तरह के सवाल है, लेकिन ममता बनर्जी को बीजेपी की पिच पर आकर न सिर्फ चंडी पाठ करना पड़ा बल्कि उन्हें अपने तरीके से राम का नाम भी लेना पड़ा, भले ही उन्होंने जय सिया राम कहा। आप सवाल पूछने के पहले मेरे पहले जो कह रहे थे वो कह रहे थे कि हमारे तरफ से एरोगेंस नजर आ रहा है, उन्होंने ये कहा। आई एम टेकिंग ऑफेंस टू व्हाट हिज स्टेटमेंट ही इज मेकिंग। मैंने ये कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जब वो चोट लगा था क्या मैं डॉक्टर था? मैं कभी क्लेम किया मैं डॉक्टर था? उन्होंने सिर्फ इतना कहा। देखिए एक बहुत ही सिंपल सी बात है। नहीं सुपर्णो जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए आपकी जीत हुई है, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई, लेकिन लेकिन देखिए मैं सुनिए सुनिए अभी आपको ये भी बात सुनने को मिलेगी। एक बहुत ही मौलिक सा सवाल था, उसका अगर आप उसी सहज तरीके से, जबकि हो सकता है ठीक हो गई हो, ये भी तो आप कह सकते थे, लेकिन आपने जिस तरीके से उस बात को मोल्ड किया तो आप पर सवाल उठ खड़े हुए। मैं क्या कहूंगा, आप पे कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा है, आप पे कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा है सुपर्णो जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सर ये आपकी दिक्कत है। आज आप लोगों का दिन है, आज आप लोगों को अनंत शुभकामनाएं। मैं गोपाल जी के पास जाना चाहती हूँ। गोपाल ठीक है सर, आपको ऐसा लगा तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हमारे साथ गोपाल जी जुड़े हुए हैं। गोपाल जी मेरा आपसे सवाल ये है सर, आप लोगों ने सब कुछ कर लिया, आप लोगों ने अपने सांसद मंत्री प्रधानमंत्री सब कुछ आपने किया पश्चिम बंगाल के चुनाव में। ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें आपने अपना सब कुछ झोंका, लेकिन वो 3 से 73 तक के लिए झोंका था या फिर सरकार बनाने के लिए झोंका था? देखिए हम तो इलेक्शन लड़ते हैं सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, और बाकी जनता का जो निर्णय है उसे सर आंखों पर। लेकिन असली बात यह है कि आप देख रहे हैं जिस तरह के टीएमसी के लोग अहंकार में डूबे हुए हैं, जिस तरह से वो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हिंसा करते थे। 130 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई, हमारे नेताओं पे पत्थरबाजी। गोपाल जी एक आंकड़ा उनके पास भी है, मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ आप बार बार उस बात को हिंसा पर ले जा रहे हैं, और हिंसा का जो दौर हुआ टीएमसी कहती है कि आपने भी उनके कार्यकर्ताओं पर हमले किए, आप कहते हैं उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की जाने ली, लेकिन मैं अभी एक जो मौलिक सवाल कर रही हूँ जो आपसे पूछा जाएगा, या मुमकिन है कि बीजेपी में इस बात को लेकर मंथन भी हो रहा हो कि आखिर आप तो जीतने का, आप तो 200 प्लस का आंकड़ा कर रहे थे, आप तो 100 के भी पास नहीं पहुंच पाए, सिमट गए उससे पहले, इसकी वजह क्या मानते हैं आप लोग? देखिए पहली सबसे महत्वपूर्ण वजह तो ये है कि यह जो अपोजिशन के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बाहर रखने के लिए कांग्रेस और जो वहां पे लेफ्ट पार्टी है उन्होंने अपना वोट कंप्लीटली ममता बनर्जी को दे दिया। जो माइनॉरिटी वोट का जो कंसोलिडेशन है उसको भी पूरी तरह से ममता जी के साथ कर दिया। नहीं आप तो ये गलत कह रहे हैं, आप ये गलत कह रहे हैं गोपाल जी, आप ये गलत कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं आखिर कैसे ये कंसोलिडेट हुआ है वोट। दरअसल सच ये है कि टीएमसी का जो कोर वोटर था वो तो बना ही रहा, बाकी उसका वोट शेयर बढ़ा है, और आप लोगों के ये जो 73 का आंकड़ा चल रहा है इसमें टीएमसी, इसमें जो लेफ्ट का था वोट शेयर, जो वोट करता था मतदाता लेफ्ट को, वो वोट आपके पास आया है। टीएमसी का एक भी, अभी आप जब आकलन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 1-2% भी वोट आपके पास आया होगा। इस पर मैं आपकी भी टिप्पणी चाहती हूँ और सुपर्णो की भी टिप्पणी चाहती हूँ, आप पहले बोलिए। बता दूं ये 2019 में था कि जो कम्युनिस्ट, जो ये नरेशन आप बता रहे हैं 2019 में लोग कह रहे थे कि जो लेफ्ट का वोट है वो बीजेपी को ट्रांसफर हुआ।
लेकिन इस बार कांग्रेस और लेफ्ट का जो बकाया वोट है वो टीएमसी को ट्रांसफर हुआ है, अदरवाइज हमारा कोई वोट शेयर कम नहीं हुआ है बहुत ज्यादा 19 के हिसाब से। ठीक है, लेकिन जो ठीक है, कोलकाता से हमारे साथ हमारे सहयोगी पल्लवी घोष जुड़ गई है। पल्लवी, आपकी रिपोर्टिंग के आधार पर आपको वो कौन से फैक्टर्स नजर आ रहे हैं जो इस बार टीएमसी को जबरदस्त मैंडेट दिलवा रहे हैं? ममता बनर्जी जीत चुके हैं नंदीग्राम से और वोट का वो फासला कितना रहा उस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन नंदीग्राम से ममता बनर्जी का जीतना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है पल्लवी। बिल्कुल है, लेकिन अगर आप वोट मार्जिन देखें वो ज्यादा अंतर नहीं है उनके और शुभेंदु अधिकारी के लिए। जिनकी राजनीति नंदीग्राम से शुरू हुआ था, हमें ये उम्मीद थी कि शायद वहां पे वोट मार्जिन बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन कांटे की लड़ाई थी। शुभेंदु अधिकारी भी उसी इलाके से विधायक रह चुके हैं और जो नंदीग्राम का सत्याग्रह था ममता बनर्जी का, उनके साथ हमेशा से शुभेंदु अधिकारी दिखाई देते थे और शायद यही एक कारण है कि शुभेंदु अधिकारी ने भी बहुत अच्छे तरीके से नंदीग्राम से लड़ा। आप पूछ रही हैं प्रीति की क्या कारण है कि तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे सरकार बना रही है, मेरे जहन में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो दो हुआ है, एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का कंसोलिडेशन की बात होती है वो हुआ है। मालदा मुर्शिदाबाद जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। बार बार वो जब जाती थी और वो 5 दिन तक लगातार मालदा में थी, उनका कहना और अपील बार बार माइनॉरिटी समुदाय से ये था कि अगर वोटों का बंटवारा होगा तो उसका फायदा बीजेपी को होगा, तो एक माइनॉरिटी कंसोलिडेशन हुआ। दूसरी बात यह है कि मैं कहूंगी जेंडर कंसोलिडेशन भी हुआ, महिलाओं का वोट। चाहे कितनी भी बुराइयां हो ममता बनर्जी में, आप उनको खराब बुलाए, उनका वर्किंग स्टाइल आपको ठीक ना लगे, लेकिन जहां पे चोट पहुंचाई जाती है किसी महिला को, वहां पे सब महिला जुट जाते हैं। और ये जो फाइटर दीदी का इमेज वो सामने लाती थी बार बार कि बाहर के लोग आके आ रहे हैं और सब मर्द लोग आके मेरा निशाना साध रहे हैं, मुझे लगा कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी सिंपथी मिलने लगा और इसका फायदा उनको आज देखने को मिला है। तो यानी कि बंगाली अस्मिता के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव लड़ा गया पल्लवी। बिल्कुल, और अगर आपने सुना होगा थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने जब बात की, उन्होंने कहा जॉय बांग्ला, उन्होंने कहा ये बंगाल के लोगों की जीत है। उनका पूरा तरह से कैंपेन यही रहा कि ये लोग बाहर से आते हैं, ये पश्चिम बंगाल को समझते नहीं है, हमारी संस्कृति को नहीं समझते हैं और ये लोग टूरिस्ट नेता है। यही बात को लेकर जो आप बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, और बहुत प्रीति मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी इसके पहले कि मैं टॉस बैक करूं कि लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या रिलीजन एक मुद्दा यहां था कि नहीं, मैं कहूंगी कि अगर आप एक बंगाली को ये पूछे कि आप बंगाली पहले हैं या हिंदू मुसलमान पहले हैं, वो कहेगी मैं बंगाली पहले हूँ। और ये फैक्टर का फायदा बार बार ममता बनर्जी ने उठाया और ये बात वो बार बार कहती हूँ, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप बंगाली पहले हो और ये लोग तो बाहर से आए हैं, इनको क्या पता कि हम लोग क्या है। तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम वोट और महिलाओं का वोट इंटैक्ट हो गया, क्योंकि अंतिम चरण में जिस मालदा की आप बात कर रही हैं, छठे सातवें और आठवें फेज में मैंने देखा था महिलाओं की बेतहाशा भीड़ थी। वो जो सिक्स फेज में ग्रामीण इलाके के मालदा वाले इलाके में हुआ था वोटिंग, और जो एट्थ फेज में हुआ था, मैंने देखा था कि वहां पर जबरदस्त तादाद में महिलाएं निकल रही हैं। तो क्या मुस्लिम और महिलाओं का वोट इंटैक्ट होकर पड़ा? बिल्कुल, मुस्लिम और महिलाओं का वोट, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू महिला हो, लेकिन एक जेंडर कंसोलिडेशन की जब बात मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल हुआ है। एक महिला मुख्यमंत्री, देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री, वो भी व्हीलचेयर पे बैठी है और बार बार उन पे ताना साधा जा रहा है, और ये सब बात कुल मिला के महिलाओं को कहीं ना कहीं लगा कि वो अकेली पड़ गई है और इसीलिए हमें उनका सहारा देना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है महिलाएं बहुत तादाद में बाहर आई। मैं सिर्फ ग्रामीण बंगाल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोलकाता की बात कर रही हूँ जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और यहाँ पे भी इसका फायदा उनको मिला। जी सुपर्णो, अब ये जो पूरा विश्लेषण है आपकी नजर में, इससे अलग कोई फैक्टर जो आपको लगता है कि आपके जीत के रहे? देखिए, और एक फैक्टर है, बंगाल रिजेक्ट्स मोदी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भले ही मोदी ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में उनका मैजिक आपके मुताबिक नहीं चला? रुझान के मुताबिक भी नहीं चला। और क्या आप सीखते हैं इससे, जिस तरह का चुनाव आप लोगों ने लड़ा?
देखिए हम ये समझते हैं, बार बार ये समझते हैं कि कोई भी सरकार जब काम करता है वो अगर ठीक ठाक काम नहीं करेगा तो लोग उसे दोबारा भेजेंगे नहीं, वन। दूसरा चीज, हम हमेशा चाहते हैं कि हमेशा एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अगर अगर कमजोर रहेगा तो जो लोग सरकार में रहेंगे उनका तानाशाही चल सकता है, इसलिए हमेशा एक अच्छा विपक्ष लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, ये मैं समझता। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका जो वोट था वो तो आपको मिला ही, 2016 की मैं बात करूं तो 211 सीटें जो थी अभी भी मुझे दिख रहा है कि वो 217 बढ़ गई है, ये कहा जा रहा है कि पिछले बार से भी ज्यादा वोट शेयर हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि लेफ्ट का वोट आपको मिला है? देखिए आपका जो एनालिसिस आप जो पहले कर रहे थे बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ, और ये जो बार बार पॉकेट्स का रिलीजन का जो पॉकेट्स बनाया जा रहा था कि होमोजेनियस ग्रुप्स, इस होमोजेनियस ग्रुप तृणमूल को वोट करेंगे, उस होमोजेनियस ग्रुप बीजेपी को वोट करेंगे, आज का रुझान जो हमारे सामने आए हैं इस चीज को, इस मिथ को उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट बहुमत है कि डिविसिवनेस और विभाजन के खिलाफ ये है, और कल्याण अभिविन्यास के पक्ष में इस रुझान हम लोग सबको आगे दिखा। ठीक है, चलिए मैं अमित के पास ले आती हूँ, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, को जानकारी मिल रही है ममता बनर्जी के बारे में? जी बिल्कुल, वो निकलने वाली हैं थोड़ी देर बाद, वो यहाँ से निकलेंगी, शायद हो सके तो पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से यहीं पर वो बात करेंगे, और बात करने के बाद वो यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो कुछ नेता हैं जो ना वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने के लिए, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वहीं कार्यकर्ता जो हैं जिनसे ममता बनर्जी ने अपील किया था कि वो अपने अपने घर चले जाएँ, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो ममता बनर्जी का एक झलक पाने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। ममता बनर्जी की ये जो जीत हुई है कहीं ना कहीं लगातार जो यहाँ पर लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो मुद्दा था बाहरी गतों का मुद्दा, वो मुद्दा कहीं ना कहीं शुरुआती के पांच फेज में ये बना रहा, जिस तरीके से लगातार टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ये कहते हैं, बंगाली अस्मिता की बात करते आए हैं, वो मुद्दा कहीं ना कहीं शुरुआत के पाँच फेजों में ये छाया रहा, और उसके बाद आखिरी के तीन फेज कोविड का मुद्दा बना रहा। हर कोई जितने भी वोटर थे, चाहे वो महिलाएं, जिस तरीके से हम वोटिंग वाले दिन प्रीति आपसे बात करते थे, महिलाओं की जो तादाद थी, जो लाइनें थी, वो पुरुषों से ज्यादा थी, और कहीं ना कहीं महिलाएं जो है ममता बनर्जी के साथ आकर खड़ी हुई, जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार बोल रही थी, अपने स्पीच में कह रही थी, और बार बार जिस तरीके से ममता बनर्जी ने हर चुनाव प्रचार में कहा है कि 200 से ज्यादा सीटें चाहिए, और ठीक वैसी तरीके से जो बंगाल की जनता है ममता बनर्जी को 200 से ज्यादा सीटें दे चुकी हैं, और यही वजह है कि जो कोविड जो आखिरी के जो तीन फेज था, जो कोविड खासतौर से वहाँ पर जो इस तरीके से आखिरी के तीन फेजों में ममता ने जो लीड लिया है, टीएमसी ने जो लीड लिया है, वो बहुत बड़ी बढ़त है। देखिए एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो कार्यकर्ता है प्रीति अभी भी यहाँ पर मौजूद है, और केवल एक झलक ममता बनर्जी का पाने के लिए यहाँ पर वो खड़े हैं। तो वहीं कोलकाता पुलिस के जवान भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। अब प्रीति इस चुनाव में जो मुर्शिदाबाद, जो अधीर रंजन चौधरी का इलाका कहा जा रहा था, जहां पर कांग्रेस और लेफ्ट काफी बेहतर करने वाले थे, वहीं पर जिस तरीके से ममता बनर्जी जाकर पांच दिन लगातार बैठ गई, और उसके बाद वहां पर वो लगातार लोगों से बात कर रही थी, चुनाव प्रचार कर रही थी, वो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव रहा, और उसी की वजह से बताया जा रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब हुआ इस चुनाव में। जो 44 सीटों पर कांग्रेस जीतती थी वो जीत नहीं पाई, उसमें बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन था बीजेपी का, जो 18 सीटें, खासतौर से अगर हम बात करें उत्तर 24 परगना के खड़दा, सोदपुर से लेकर हालीसर तक 22 जूट मिले हैं प्रीति, वो जो 22 जूट मिलों के वर्कर थे वो 2019 में बीजेपी के साथ थे, लेकिन इस बार के चुनाव में ये नतीजे अमित लेफ्ट के साथ साथ कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि भले ही उन्हें सीटें ना मिली हो, लेकिन ये वो इलाके थे जो एक समय में पश्चिम बंगाल गढ़ था, लेफ्ट का 34 साल का शासन, और अब लगभग वहां से लेफ्ट साफ होती हुई दिख रही है, और टीएमसी हैट्रिक लगा रही है। गोपाल जी,
आप लोग लगातार कोशिशों में लगे थे कि हम कुछ भी कर लें, हम जीत हासिल कर लें, लेकिन उस जीत को हासिल करने में एक बड़ी आपने इतिहास को दर्ज किया है। वो इतिहास ये कि बंगाल में बीजेपी 72 सीटों के साथ नजर आ रही है, पहली बार। ये इतिहास में अपने आप में अहम आंकड़ा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लोकसभा के उस इलेक्शन को, जिसको आप लगातार अपने डिबेट्स में इन चुनाव से पहले कहते रहे कि देखिए लोकसभा सीट को अगर हम कन्वर्ट करें तो 121 से 127 के बीच हमारी सीटें आ जाएंगी, आज आप लोगों के सुर क्यों बदल गए हैं? नहीं, सुर नहीं बदल गए। वास्तविकता यह है कि ममता बनर्जी तीसरी बार वहां की चीफ मिनिस्टर बन रही हैं। टीएमसी ने वहां पे बड़ी जीत हासिल की है। जनता का यह निश्चय है, जनता का यह को स्वीकार करते हैं, पूरी संजीदगी के साथ हम इसको स्वीकार करते हैं, आत्मविवेचना चिंतन करेंगे, लेकिन हम इसमें दुखी नहीं है या कोई बहुत ज्यादा इस बात के लिए परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी सीट है वह काफी बड़ी है। और जो लोकसभा के मुद्दे होते हैं और जो प्रदेश के मुद्दे होते हैं वो काफी अलग होते हैं। तो लोकसभा एक बेंचमार्क जरूर है कि 121 सीटों पे हमने बढ़त हासिल की थी स्टेट असेंबली के हिसाब से, लेकिन हमारी पिछले असेंबली के इलेक्शन के मुताबिक के कंपैरिजन में इस बार हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है। महत्वपूर्ण रूप से हम वहाँ पे मुख्य अपोजिशन के रूप से ममता बनर्जी को टफ फाइट देंगे। जो हमारे मुद्दे थे, चाहे माइनॉरिटी अपीजमेंट के थे, भ्रष्टाचार मुक्त पश्चिम बंगाल की बात हो। लेकिन गोपाल जी, जो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का जो एक बड़ा फैक्टर था, वो इन विधानसभा चुनाव में चूंकि आपके पास कोई लोकल चेहरे नहीं थे जो आपके लिए उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाए, इसीलिए आपको ये आंकड़ा छूने को मिल रहा है, क्या आप ये मानते हैं? क्योंकि आप लोगों ने तो टीएमसी से भी लेकर बहुत सारे लोगों को लड़वाया कि चाहे शायद उनकी जीत हो जाए, लेकिन वो भी आपके लिए काम नहीं कर पाए कुछ। नहीं कह सकते। जैसे सबसे पहले तो आप ये अजम्पशन करके इस बात में चल रहे हैं कि हमारा यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कोई बड़ी जीत नहीं हुई है, लेकिन मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं कर रही हूं गोपाल जी, आप ही लोगों ने 200 प्लस का आंकड़ा दिया था, मैं तो उसी के आसपास आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता है, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे जगत प्रकाश नड्डा जी हो, ये फ्रंट लाइन फाइटर हैं, फ्रंट लाइन पे संघर्ष करते हैं और हम लोग एक हाई एक्सपेक्टेशन के साथ काम करते हैं, इसके कारण उस एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में ये कम लग रहा होगा आपको, लेकिन हमारी जीत वाकई काफी अच्छी है। आप लोगों की थी सर 200 से ऊपर की, मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं तो इस आंकड़े पर बात कर रही हूँ जो टीएमसी को 217 और 72 बीजेपी को दिला रहा है। बहरहाल, इस बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान से 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे में कांग्रेस ने बाजी मारी, कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 1 सीट जीती है। भीलवाड़ा की सहाड़ा सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है, चुरू की सुजानगढ़ सीट भी कांग्रेस ने जीती है, जबकि राजमसंद समंद सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। सहाड़ा सीट पर कांग्रेस की गायत्री देवी ने बीजेपी प्रत्याशी को 42,000 वोटों से हराया है, जो इस उपचुनाव की से बड़ी जीत है, जबकि राजसमंद से बीजेपी उम्मीदवार किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी की जीत का अंतर सबसे कम रहा। सुजानगढ़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज मेघवाल करीब 35,500 वोट के अंतर से जीते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, ये जो 3 उपचुनाव में 2-1 का हुआ है खेल, 2 कांग्रेस के पास, 1 बीजेपी के पास, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उपचुनाव का जहां तक हाल देखें, अमली ट्रेंड ये देखने में आता है खासतौर पर विधानसभा चुनाव में, कि जहां पर जिस पार्टी की सरकार होती है उसका अपर हैंड होता है, और जो 3 जो है उपचुनाव 3 सीटों के लिए जो हुए हैं उसमें जाहिर है 2 कांग्रेस के पास है, 1 बीजेपी के पास है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक है। अशोक गहलोत की सरकार है राजस्थान में, उसके बावजूद जो है सो 1 सीट अभी बीजेपी जो है अपने पास रख पाई है, तो मुझे लगता है कि यह उस पर संतोष ले सकते हैं। जहां तक आप ट्रेंड देखें, आप गुजरात में भी देखने जाइए, मोड़ो 8 के लिए चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी ने वो सीट जीती है। तो नॉर्मली देखने में ये आता है कि बाय इलेक्शंस में जो भी रूलिंग पार्टी होती है उस राज्य की, उसको जो है सो उसमें अपर हैंड होती है, और यही मुझे लगता है कि ट्रेंड दिखाई भी दे रहा है। और शुक्र इस बात का है कि जिस तरह का एग्जिट पोल हम देखा रहे थे 5 विधानसभा चुनाव में, स्पेशली वेस्ट बंगाल को लेकर कांटे की टक्कर, यहां पर एग्जिट पोल काफी सटीक बैठे हैं।
देखिए एग्जिट पोल जो है अब एक तरह से काफी हद तक एज ए साइंस जो है एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं। आप देखेंगे पिछले कुछ चुनाव में बहुत उलटफेर नहीं होता है, और वैसे भी अगर आप देखने जाएं तो वेस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जिसमें कि कोई सरप्राइज था। आप ध्यान रखिए कि एग्जिट पोल आने के बहुत पहले किसी को इस बारे में संदेह नहीं था कि भाई असम में बीजेपी फिर से रिटेन कर रही है। आप पुदुचेरी की हर कोई कह रहा था कि बीजेपी वहां पर जो कोलिशन है वो आने जा रहा है। तमिलनाडु के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं था, सब कोई मान रहे थे कि भाई कि जो है वहां पर सत्ता में आएगी। और केरल के बारे में जहां पर कि हमेशा ट्रेंड रहा है कि जो एक सरकार होती है वो जाती है दूसरी सरकार आती है, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि पी विजयन ने जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में काम किया था खासतौर पे कोरोना पीरियड में, पहली बार वहां पर जो है यह रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि कोई पार्टी रिटेन करने जा रही है केरल को अगले 5 वर्षों के लिए। असली जो घन चक्कर था वो वेस्ट बंगाल को लेकर था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आप ध्यान रखें कि ममता बनर्जी जो है वहां पर शासन में थी, और वेस्ट बंगाल की अपनी एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी है, एक वहां पर वोट बैंक अपना इकोनॉमिक्स है, उसमें बीजेपी ने अपना सारा जोर जरूर लगाया था। लेकिन वहां पर एक चीज जो चीज अगर आप देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरा का पूरा चुनाव जो है वह बाई पार्टीजन हो गया। यानी जो है अभी तक वहां पर जैसे कि एक समय में वहां पर कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही थी, उसके बाद से लेफ्ट ने लंबे समय तक वो बात साथ रखी। इस बार के चुनाव में ये देखने पाया कि लेफ्ट और कांग्रेस बिल्कुल दोनों ही खत्म हो गई है, और वहां पर जो जो पॉलिटिक्स है वह दो ध्रुवों में बट गई है। एक तरफ जो है सो टीएमसी है जो कि जिसने की फिर से सत्ता में अपनी जो है एक तरह से गठित कर सकते हैं पकड़ को मजबूत बनाए रखा। लेकिन हाँ जरूर बीजेपी के लिए ये 373 या 71 वाला आंकड़ा काफी रुझानों के हिसाब से खुशी देने वाला हो सकता है। मैं मध्य प्रदेश की दमोह की बात कर लेती हूँ ब्रजेश। ब्रजेश वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी आके चल रहे हैं, अभी तक हम राजस्थान की बात कर रहे थे, आपने कहा कि कोई अनएक्सपेक्टेड नतीजे नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी के आगे चलने के मायने क्या है? देखिए जहां तक दमोह की उस सीट की बात करें, आप ध्यान रखिए कि जो मध्य प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ उसकी वजह से कई जगहों पर जो है चुनाव की नौबत आई, और वैसे भी वो जो सीट अगर आप देखें तो ओरिजिनली जो असली चुनाव थे उसमें कांग्रेस ने जीती थी, तो उसमें भी कोई बहुत ये नहीं है क्योंकि कांग्रेस जो है उस सीट को एक बार फिर से गेन करती हुई दिखती है। तो वहां पर जो है इक्वेशन अलग रहे, क्योंकि आप ध्यान रखें कि जब वो चुनाव हुए थे और वहां पर कमलनाथ ने सरकार बनाई थी, बाद में वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बाहर निकले और उसकी वजह से जो है बीजेपी ने फिर से वहां पर सत्ता में वापसी की, तो जो ओरिजिनल चुनाव थे उसमें जाहिर है उस पार्टी का वहां दबदबा रहा था, और मुझे लगता है कि वही थोड़ा बहुत जो है सो अभी दिखाई दे रहा है जहां पर की कांग्रेस वहां पर जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी जी ब्रजेश आप हमारे साथ बने रहिएगा, और एक बार फिर से वेस्ट बंगाल और साथ ही बाकी 4 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करते हैं, जहां पर जबरदस्त इस वक्त नतीजे सामने आते हुए खास तौर पर वेस्ट बंगाल में। असम में एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से मोदी मैजिक चला है, और एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। लेफ्ट केरल में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, और पहली दफे ऐसा हो रहा है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर डीएमके अपनी सत्ता को बनाने में कामयाब हो गई है, तो ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर। और साथ ही पुद्दुचेरी की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने की ओर रुझानों में दिख रहा है, तो ये बड़ी तस्वीर इस वक्त। और अब इंतजार वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का, जो मुमकिन है एक बार फिर से बंगाल की कमान संभालेंगी, लेकिन आज इन रुझानों के दरमियान वो आकर मीडिया के सामने क्या कहती हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो आई थी, उन्होंने कोरोना के दौर की बात कही और अपने सभी समर्थकों से अपील की कि आज अभी आप अपने घर जाइए, कोरोना से हमें लड़ाई लड़नी है, और जय बांग्ला कहते हुए उन्होंने अपनी उस बात को खत्म किया था। लेकिन एक बार फिर से वो 6 बजे जुड़ेंगी और अपनी बात को रखेंगी। सुपर्णो और क्या क्या कहा जा सकता है आज अपने संबोधन में ममता बनर्जी के जरिए, क्योंकि ये एक बार फिर से जबरदस्त जीत है और हैट्रिक है वेस्ट बंगाल में टीएमसी की। देखिए प्रीति जी, मैं जहां तक मैं समझता हूं, मैं बहुत ही एक मामूली प्रवक्ता हूं, कोई नेता नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरा साधारण समझ है तो शायद वो अपने जो कार्यकर्ता जो पार्टी के जितने भी लोग हैं उनको शायद कोविड के बारे में फिर से दोबारा वो याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि कैसे अतिमारी के समय से हम लोग गुजर रहे हैं, और कैसे जैसे पिछले दिनों भी हम उसके कोविड के खिलाफ लड़ रहे थे, और भी दुगना मेहनत हम लोग कैसे इसके खिलाफ कर सकते हैं कि कोरोना पे जीत हासिल कर सके, शायद इसमें बात करेंगे और लोगों को एहतियात बरतने के लिए वो कहेंगे, ये मेरा समझ है। सुपर्णो आपको क्या लगता है कि इस बार जब तीसरी बार जनता किसी सरकार को चुनकर भेजती है
तो विश्वास के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होती हैं, और जिस तरह के रुझान है कमोबेश अगर इसके आसपास भी आंकड़ा रहता है तो टीएमसी की सरकार बनेगी, ये लगभग लगभग तय हो चुका है। ऐसे में वो चुनौतियां ऐसी कौन सी रहेंगी जो इस बार वेस्ट बंगाल की जनता के लिए आप उन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश करेंगे अपार्ट फ्रॉम कोरोना वायरस? देखिए प्रीति जी, एक बात मैं पहली बार टेलीविजन में कहने वाला हूँ जो कि मैंने कभी किसी को कहा नहीं, मैं कहने वाला हूँ। देखिए दीदी को, दीदी हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहती है, दीदी का हृदय बहुत बड़े हैं और वो सबको साथ लेके चलते हैं, कभी कभी बहुत लोगों को माफ भी कर देते हैं। लेकिन जब ये बहुत लोग टिकट नहीं मिलना या दूसरे कारण के लिए हमारे यहाँ से दूसरे भारतीय जनता पार्टी है वहां पे चले गए थे, ठीक है ना, दीदी को दिल का चोट लगा। इसलिए चोट नहीं लगा कि उसको रुझान पे कोई असर पड़ेगा, इसलिए चोट लगा, जब एक परिवार से कोई छूटता है तो एक चोट लगता है। प्रीति, हम लोग सबका परिवार है, हम लोग सबको इस भाषा, हम सब भारतवासी की हैसियत से हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन आज शायद दीदी को एहसास हो जाएगा कि जहाँ पे दीदी और दीदी का जो कल्याणकारी नीति जहाँ पे रहेगी, जीत दीदी को मुनासिब होगा, कौन चार पांच लोग चले गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और भी दायित्व लेके बंगाल के लोगों के लिए दीदी को ज्यादा और हम लोग को सबको मिलके काम करना पड़ेगा। कोई बीजेपी नहीं, कोई टीएमसी नहीं, कोई सीपीएम नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, बंगाल का लोगों को सबको मिलके बंगाल का हित में काम करना पड़ेगा, यही अगला 5 साल, यही हमारा प्लानिंग है प्रीति जी। चलिए तो वही वाली बात हो गई जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। गोपाल जी, आपके वाले ही बात पर आगे बढ़ती हुई वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आने वाले दिनों में नजर आ सकती हैं, इस बात पर आप खुश हो सकते हैं? नहीं देखिए, हमें इस बात का बिल्कुल वो विश्वास नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी की पूरी राजनीति का आधार है डर की राजनीति करना, और जो अभी उसका एक पहलू अभी हमारे सामने भी दिखा था कि उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जिस तरह से आगजनी का कार्य हुआ, तो मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास चाहता हूं कि ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे काबिज हो रही हैं, तो वह सभी लोगों को साथ में लेके चलेंगी, और जो भ्रष्टाचार, अपीजमेंट और जो फियर की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करना, यह सब नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो तौर तरीके हैं वह मुझे लगता है कि वह उसी तरह की राजनीति के हैं कि जो विपक्षियों के अंदर डर का माहौल पैदा करें। अशोक वानखेड़े जी, जब तीसरी बार किसी पार्टी को दारुमदार दिया जाता है, मोहित्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, सुपर्ण मोहित्रा जी बोलिए, फिर मैं वानखेड़े जी के पास जाती हूँ। जी बस 10 सेकंड लूंगा, वानखेड़े साहब से माफी मांगता हूँ। एक ही मैं भी गोपाल जी के जरिए भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, देश में विभाजन विभाजन, कट्टरता, घृणा, आर्थिक अर्थनैतिक रूप से जो पंगु बना दिया, उससे निकल के आके सबको लेके भारतीय जनता पार्टी काम करे, क्योंकि मुंह में तो वो बोलते हैं सबके साथ सबका विकास, लेकिन वो करते हैं कुछ लोगों का विकास और बाकियों का सर्वनाश, उससे भी वो निकल के आए। प्रीति जी आपके जरिए गोपाल जी, 10 सेकंड और दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अब गोपाल जी प्लीज, वानखेड़े जी, आप दोनों के तर्क नहीं खत्म होंगे एक दूसरे के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत वानखेड़े जी यही है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो जीत रही हो हार रही हो, एक दूसरे को सुझाव देने पर आमादा है, लेकिन आपके मुताबिक आने वाले 5 साल वेस्ट बंगाल की जनता को क्या क्या चाहिए होगा जिसका दारुमदार पूरी तरह से ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर होगा? देखिए, एक बात तो आपको माननी होगी, विपक्ष चुनाव के दौरान जो भी आरोप प्रत्यारोप होते होंगे, लेकिन यदि असम में बीजेपी रिपीट होती है, लेफ्ट यदि केरल में रिपीट होती है, तो ये उनके अच्छे कामों का नतीजा है। उन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे जो रिपीट हुई है। यदि दीदी आज इतने बड़े झंझावत के सामने यदि टिक के आ गई है, इतनी बड़ी सुनामी बीबी के सामने होती, दीदी के सामने, उसके बीच में से बहुत सक्सेसफुल निकल ली है, तो कम से कम आप इतना तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने कुछ जनकल्याणकारी योजनाएं की होगी जो लोगों को पसंद आई होगी। तो इसलिए आरोप और प्रत्यारोपों के बीच में नहीं रहना चाहिए। दीदी अब ये कंसोलिडेट करेगी, यदि अच्छी राजनीतिज्ञ है तो उसको ये देखना होगा कि यदि मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ तो आने वाले 10 साल तक दीदी अपने आप को सिक्योर कर लेगी, क्योंकि ये जो विभाजन की राजनीति जो हो गई है, पोलराइजेशन जो हो गया है, धर्म के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे, ये पोलराइजेशन
बंगाल में नहीं चला, ये आगे ना हो, इसके लिए दीदी को ये देखना होगा कि जो आरोप उनके ऊपर लगते हैं अपीजमेंट के वो भी करे, हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके चले, बंगाल की अस्मिता जिसकी वजह से वो चुनाव में आए उसका ध्यान देखे, महिलाओं का विशेष ध्यान देखे क्योंकि महिलाओं ने उनको बहुत मदद की है, ये तमाम चीजें उनको देखनी होगी। लेकिन उनकी लड़ाई केंद्र के साथ बरकरार रहेगी, जिस हिसाब से हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है और जीएसटी के बाद केंद्र सरकार पे सारे राज्य सरकार आश्रित हो गए हैं, ऐसे में अब दीदी अपना केंद्र के साथ लाइजनिंग कैसी करती है, केंद्र के साथ संबंध सुधार करके कैसी अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा मदद ले सकती है, ये तमाम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो दीदी को अब हल करने होंगे जी। और एक और बात अशोक जी, एक और बात जो अहम है वो ये कि आपको याद होगा जब चुनाव प्रचार हो रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने एक बयान दिया था कि वो अपना पहले बनारस संभाले, तो क्या इस जीत को 2024 में भी किसी तरह से आंका जा सकता है? ये जीत टीएमसी के लिए 2024 के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है क्योंकि दीदी को अब केंद्र में एक बड़ा रोल भी, सारे जो ये सारे देश की क्यों नजर लगी हुई थी बंगाल पे, सिर्फ इसलिए लगी हुई थी कि यदि इसमें से दीदी अच्छी निकल के आती तो दीदी को नेशनल लेवल पे एक ऐसा नेतृत्व तो लोग समझेंगे, नहीं वो खुद नेतृत्व करना चाहेगी, बंगाल छोड़ के भी नहीं आएगी, तो कम से कम एक ऐसा कोऑर्डिनेटर के रूप में वो काम करेगी कि कई क्षेत्रीय दलों को वो साथ रख सकती है। भारतीय जनता पार्टी को भले ही लगे कि कांग्रेस समाप्त करने के बाद विरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन सारे क्षेत्रीय दल यदि इकट्ठा हो गए और क्षेत्रीय दल की जो बंगाल की अस्मिता की बात यदि सारे राज्यों में आ गई, तो जो 300 पार का जो आंकड़ा, जो बार बार 300, 400 की बात जो बीजेपी करती है लोकसभा में, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां वहां फिर इनकम्बेंसी भी उनको देखने को मिली, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात में 99 पे आ गई थी, यूपी बिहार में जो चुनाव हुए वो बीजेपी को जो चाहिए था वो नहीं मिला, बहुत मार्जिनल इस पे सत्ता में है वो, ऐसे में वो लोकसभा में कैसा ट्रांसलेट करते हैं, बीजेपी ने पूरी ताकत। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में जो एक वैक्यूम था कि नरेंद्र मोदी वर्सेस हु, तो वो वैक्यूम ममता बनर्जी खत्म कर सकती है? ममता बनर्जी स्वयं नहीं आए लेकिन एक कोऑर्डिनेटर के रूप में ममता बनर्जी अपना एक ऐसा योगदान दे सकती है कि एक साझा विपक्ष का बहुत बड़ी दीवार सामने खड़ी कर सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। गोपाल जी, या प्री मैच्योर सारी चीजें अटकलें हैं, जब पिछली बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीते तो सब उनके पीछे दौड़े, ममता बनर्जी के पीछे, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में दूसरी बार बड़ी मजबूती से सत्ता में है और कई प्रदेशों में 13 से ऊपर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से आप इतनी बड़ी जीत को, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी बढ़त को कंप्लीटली नकार देंगे और ये कह देंगे कि एक प्रदेश को जीत लिया तो अब 36 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी में जो है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। गोपाल जी, सुपर्णो एक छोटा सा कमेंट आपका भी 30 सेकंड का, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ 2024 में लोग ये पूछेंगे मोदी जी और क्यों। चलिए ठीक है, एक ब्रेक मैं ले रही हूँ, जल्द लौटती हूँ और इस मेगा कवरेज पर जो रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं उस एक एक सीट का विश्लेषण भी हम करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।